जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों आईपीएल 2022 के लेकर बीसीसीआई की तरफ से बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी होगा कि नहीं आईपीएल 2022 के लेकर, ये बीसीसीआई की तरफ से बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें उन सभी बड़ी खबरों के जो कि बीसीसीआई की तरफ से निकल के आ रहा है आईपीएल 2022 के लेकर। जी हां दोस्तों, पहला खबर का बात करें तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है आईपीएल 2022 के शेड्यूल को लेकर। जी हां दोस्तों, खबरों का माने तो दोस्तों 26 या 27 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल 2022 और मई के अंत तक चलने वाला है आईपीएल 2022। तो दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर का बात करें तो वह जुड़ा हुआ है सभी 10 टीमों से। जी हां दोस्तों, बता दें कि इस वर्ष कोरोना की कमी की वजह से आईपीएल 2022 जो कि सभी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए आ सकती है। वहीं दोस्तों बात करें तीसरी बड़ी खबर का तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है आईपीएल 2022 के ओपनिंग सेरेमनी से। जी हां दोस्तों, खबरों का माने तो दोस्तों इस वर्ष बेहद ही बड़ा आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह अहमदाबाद में हो सकता है। दोस्तों बात करें चौथी बड़ी खबर का तो दोस्तों बता दें कि इस बार ब्रॉडकास्टिंग के लेकर आईपीएल के लिए बोली लग रही है। जी हां दोस्तों, खबरों का माने तो दोस्तों 50,000 करोड़ के ऊपर बोली पहुंच चुकी है ब्रॉडकास्टिंग के लेकर आईपीएल के। जी हां दोस्तों, इसमें सोनी, स्टार इंडिया और अमेज़न से भी हिस्सा लिए हैं। जी हां दोस्तों, यह चार बड़ी खबरें जो कि आईपीएल 2022 के लेकर निकल कर आ रही थी। दोस्तों यह खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।